मुंबई के मीरा भाईंदर में ओरम क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष संतोष पेंडुलकर द्वारा किया गया, जहां वैश्यवाणी समाज की युवाओं को एकत्रित कर उन्हें एकजुट रहने के लिए करीब 16 टीमों ने मैदान में अपना दम दिखाया। 2 ओवर की इस क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम विजेता को 21,111 कैश व ट्रॉफी दी गई, तो वहीं सेकेंड विजेता को 11,111 कैश व ट्रॉफी दी गई। साथ ही उत्तम गेंदबाज को 501 व ट्रॉफी, तो वहीं उत्तम बल्लेबाज को 501 कैश व ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया गया। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए दर्शकों के साथ साथ मीरा भाईंदर की विधायिका गीता जैन, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जैसे कई नेतागण पहुँचे व खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान का ये क्रिकेट टूर्नामेंट का समाज की तरफ से आयोजन जो किया, उसमें आप लोगों ने उपस्थिति दिखाई, इसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। खास करके ये टूर्नामेंट कोविड के महामारी के हिसाब से 2 साल क्रिकेट टूर्नामेंट हमने लिया नहीं, लेकिन पहला कोविड के पहले 1 साल और ये दूसरा साल है क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करके। आज ये जो आप हमने दिन में सुबह 8:30 से क्रिकेट टूर्नामेंट चालू है और दिन में हम लोग ने 16 टीम आज खेला है, लेकिन ये 16 टीम समाज के ही है, इसमें बाहर के प्लेयर नहीं है। वैश्यवाणी समाज मतलब वैश्यवाणी ही लोग है, वाणी के अलावा दूसरे मराठा नहीं या इतर भाषिक नहीं कोई भी है, इसमें किसी को स्थान नहीं है। और हर साल हम वैश्यवाणी की ही जो टीम है उनको ही यहाँ पे मौका देते हैं समाज की तरफ से, और समाज के माध्यम से हम एक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बोलो, लोगों की सेवा करने का ही काम समाज। आज आप लोगों को मालूम है कि ये मीरा भाईंदर में आज इतने समाज जाति धर्म के लोग रहते हैं, इतने मंडले है, आज अनेक अपना अपना मंडल के माध्यम से बोलो समाज के माध्यम से समाज को इकट्ठा करने का काम हरेक अपना समाज कर रहा है। वैसे ही आज ये वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान यहाँ पे वैश्यवाणी जो समाज के लोग हैं आज मीरा भाईंदर में रह रहे, जो छोटे मोटे काम के लिए उद्योग के लिए गांव से यहाँ पे जो आए हैं, एक अलग अलग कोने में रहने वाले लोग, उनको इकट्ठा करने का काम ये समाज के माध्यम से हो रहा है। और मैं समाज के सभी मेरे कमिटी मेम्बर्स, उसमें कार्याध्यक्ष रहेंगे सुनील मुद्रत जी, यहाँ पे चंद्रकांत मुद्रत जी कार्याध्यक्ष जी है, और यहाँ पे मेरे सभी कमिटी मेंबर्स आज यहाँ पे है ग्राउंड में, यहाँ पे है नहीं मंच पे, लेकिन इन लोगों ने जो मेहनत लिया है, 1-2 महीने का मेहनत है, ये मेहनत के पीछे मेरे सभी कमिटी मेंबर्स है और पूरे कमिटी मेंबर्स को ये श्रेय जा रहा है। और ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन इसके लिए किया है कि एक प्लेटफॉर्म वैश्यवाणी समाज ने ये प्लेटफॉर्म निर्माण करके दिया हुआ है समाज के लिए। ये समाज से आज आपको मालूम है छोटा मोटा काम करके रोज का उधर निर्वाह करके उसमें से जो टाइम मिलता है वो किधर ना किधर प्रैक्टिस ये लोग करते हुएंगे, और वो प्रैक्टिस के हिसाब से आज यहाँ से पे ऐसा लग रहा है हमको कि जब भी खेल रहे वो लोग ग्राउंड पे ऐसे लग रहे हैं कि प्रोफेशनल एक लोग किधर एक एकेडमी में कहाँ पे सीखने के लिए जा रहा है ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन एक जितनी भी स्तुति इन लोगों के करे उतनी कम है, और आज आप यहाँ पे आए इसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे पूरे वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं और पूरा आया हुआ यहाँ पे वैश्यवाणी का टीम है 16, इन लोगों को भी देखो टीम में आज 16 टीम है, इसमें से हारने वाला और जीतने वाला जो है वो एक ही है, उसमें हार जीत ही रहती है, लेकिन खेले इधर तक पहुँचे वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
यही बाकी उसका कुछ उद्देश्य ऐसा ये नहीं है, यही उद्देश्य है। कहाँ कहाँ से आए? आए यहाँ पे सिंधुदुर्ग, आप लोगों को मालूम रहेगा सिंधुदुर्ग कोकण में हमारे वैश्यवाणी लोग बहुत है, वाणी समाज। आज वहाँ से सिंधुदुर्ग से इधर आए, वो गांव से भी लोग यहाँ पे खेलने के लिए आए हुए हैं। बाकी के लोग तो यहाँ पे मीरा भाईंदर में भी बहुत से टीम यहाँ पे ऑलरेडी 5-6 टीम मीरा भाईंदर की है, वैश्यवाणी समाज मीरा भाईंदर में है ऑलरेडी, उसके ही टीम है ये। और लोग का समझो 11 का 11 प्लेयर इधर से नहीं भाईंदर में मिलेगा, लेकिन वो वैश्यवाणी समझो पेंड्रुकर है, मैं उदाहरण संतोष पेंड्रुकर, तो पेंड्रुकर का ही टीम है। पेंड्रुकर समझो यहाँ पे मुंबई में रहने वाले 4-5 प्लेयर लेंगे, बाकी के अगर 5 प्लेयर गांव में रहते हैं पेंड्रुकर, तो उन लोगों को यहाँ पे बुलाया हुआ है और उन लोगों को एक मौका दिया हुआ है समाज के माध्यम से। लोग यहाँ पर आए थे और कौन कौन आए थे? देखिए सुबह हमने टूर्नामेंट 8:30 बजे चालू किया, 9:30 बजे पहले ही आगमन हुआ माजी आमदार सम्माननीय नरेंद्र मेहता जी का, उन्होंने भी यहाँ पे कम से कम आधा घंटा दिया हमारे मंडल के लिए, समाज के क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। उसके बाद गीता जैन आई, गीता जैन ने भी अपना टाइम अच्छी तरह अच्छा दिया उन्होंने, और शुभेच्छा भी दिया हमारे मंडल के लिए, समाज के लिए। और थर्ड नंबर में गिलबर्ट सेठ आए, गिलबर्ट मेंडोसा वैसे कोई प्रोग्राम में बाहर निकलते नहीं है, लेकिन हमारे एक क्रिकेट टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट उनका, वो कहाँ पे भी अगर आते ही ना, जो समाज बोलो जो बांधव के पीछे खड़े रहते तो एक ताकत निर्माण होती है, वैसे एक गिलबर्ट सेठ यहाँ पे आए थे। शंकर वीरकर आके गए यहाँ पे, अभी अभी अरुण कदम जी आके गए, उसके बाद शैलेश पांडे जी, प्रवीण पाटिल जी और स्नेहा पांडे जी, अपने कदम अर्चना कदम जी नगर सेविका, शैलेश पांडे जी की स्नेहा पांडे नगर सेविका, पूजा अमगावकर, ये सब यहाँ पे आके गए। उन लोगों ने समाज आगे जाने के लिए शुभेच्छा दिया और वो शुभेच्छा हमने स्वीकार करके आगे भविष्य वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान कैसे बढ़ेगा और कौन से माध्यम से समाज को जो एक करने का काम, इकट्ठा करने का काम हम करेंगे, ये लोगों ने जो प्रेरणा दी, ये प्रेरणा के ऊपर ही हम आगे चलने वाले हैं। और आज जिस तरह का कार्यक्रम रखा है, एक समाज के हित में क्या कुछ कहने जाएंगे? आज हमारे मीरा भाईंदर में वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान गेल्या 4-5 वर्षापासून या ठिकाणी कार्यरत आहे, अतिशय प्रामाणिकपणे आणि चांगल्या जोमाने सगळे कार्यकर्ते यामध्ये सहभागी असतात। आता साहेबांनी सांगितलं या ठिकाणी की 8:30 वाजल्यापासून या ठिकाणी कार्यक्रम चालू आहेत, सातत्याने हे होत असतं। आज नुसता क्रिकेटचाच आहे या ठिकाणी नाही, तर विविध अंगाने आम्ही या ठिकाणी काम करत असतो, अपंगांना मदत असते, पुनर्वसन असतं, त्यांना धान्य वाटप असतं, किंवा आणखी अन्य माध्यमातून सामाजिक जे जे काम होत असतं, करण्याची गरज आहे, ते वैश्यवाणी समाज या ठिकाणी करत असतं। आज आमच्या बरोबर असणारे सगळे सहकारी अतिशय जोमानं गेल्या 1-1.5 महिन्यापासून हे कार्यक्रम यशस्वी कसा होईल त्याचं नियोजन करत असतात, आणि ह्या मीरा भाईंदर शहरामध्ये असलेले राजकीय जे पक्ष आहेत, त्यांचे नेते आहेत, ते लीडर्स आहेत, ते सगळे ह्या कार्यक्रमामध्ये येऊन आवर्जून उपस्थित होतील। अजून या शहराचे खासदार येणार आहेत, संध्याकाळपर्यंत आमदार प्रताप सरनाईक येणार आहेत, राजन विचारे येणार आहेत, आता सांगितलं नरेंद्र मेहताजी येऊन गेले, गीता जैन मॅडम येऊन गेल्या, गिलबर्ट मेंडोसाजी आले आणि विविध बाकी अन्य सगळे मंडळी आले। संध्याकाळी 6-6:30 पर्यंत हा कार्यक्रम चालणार आहे, त्यामुळं पारितोषिक वितरण समारंभासाठी सुद्धा अनेक मान्यवर या ठिकाणी येणार आहेत, त्यामुळं वैश्यवाणी समाजाला सर्व राजकीय पक्षांचा या ठिकाणी पाठिंबा आहे। आताच सांगितलं की गिलबर्ट मेंडोसासारखी व्यक्ती आज बाहेर न पडता या समाजाच्या पाठीमागे गेल्या कित्येक वर्षापासून आहे, आणि ते एक फार मोठा आमचा अचीवमेंट आहे। अतिशय सज्जन आणि चांगली व्यक्ती आज आम्हाला या ठिकाणी येऊन शाबासकी देऊन गेली, त्याबद्दल या सर्व मान्यवरांचा आम्ही या ठिकाणी खरोखरच त्यांना धन्यवाद देऊ, आणि मीरा भाईंदर शहरामध्ये असणारे सर्व राजकीय पक्ष आज या समाजाच्या पाठीशी आहेत, त्यामुळं हा समाज फार जोमानं संतोष पेंड्रुकर साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली काम करतो आहे, आणि एक चांगलं उमदं नेतृत्व आज आमच्या वैश्य समाजाला या मीरा भाईंदरमध्ये मिळालेलं आहे, आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचे सर्व समाज बांधव एकत्र येऊन काम करत असतात, आणि त्यांनी ते करावं, आणि त्यांना शुभेच्छा देतो आज रामनवमीच्या दिवशी, आणि सर्व हे चांगल्या प्रकारे सहकार्य करतील, आणि वैश्य समाज मीरा भाईंदर मोठ्या जोमानं ह्या अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये फार लवकरच प्रसिद्ध होईल अशी आशा करतो, आणि मी आपले 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
अरे शुभेच्छा द्या वैश्यवाणी समाजाला फक्त टूर्नामेंट आहे आज टूर्नामेंट सामना जे भरलेले आहेत तसे या प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष माझे मित्र संतोष पेंडुलकर तसेच कार्याध्यक्ष माझे मित्र पहिल्यापासून म्हणजे मुद्रस साहेब तर ज्या जेव्हा या मंडळाची म्हणजे वैश्यवाणी समाजाची इथे जेव्हा स्थापना करायला घेतली त्यापासून आम्ही या माझ्या मित्रमंडळींबरोबर मी आहे आणि प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये यांच्याबरोबर असतो आणि आज माझ्या पेंडुलकर साहेब किंवा आपले त्या समाजाच्या सर्व मंडळीने आज पूर्ण एवढ्या मीरा भाईंदरमध्ये एवढा मोठा याचा प्रसार केलेला आहे त्याबद्दल मी त्या माझ्या सर्व मित्रमंडळींचे आणि या पूर्ण समाजाला माझ्याकडून आज रामनवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. मैं प्रवीण गोठौड़े वैश्यवाणी समाज में अभी हम लोग स्थापना होने के बाद चार पाँच साल से हम लोग विविध उपक्रम के माध्यम से जैसा कि शैक्षणिक सांस्कृतिक और बाकी एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और समाज को इकट्ठा करने का काम अपने अध्यक्ष संतोष पेंडुलकर इनके माध्यम से हम लोग चार पाँच साल से कर रहे हैं और इसके आगे इसे ज़्यादा हमारी समाज की प्रगति हो समाज एक इकट्ठा हो जाए इसके लिए हम लोग दुआ करते हैं. वैश्यवाणी समाजचं सर्वात प्रथम सर्व कमिटी मेंबर्स आमचे अध्यक्ष सर्व कमिटी मेंबर्सना माझं नमस्कार. तसेच आज वैश्यवाणी समाजच्या जे वैश्यवाणी सुरू केल्यापासून जे कार्यक्रम करतो त्या कार्यक्रमात आज टूर्नामेंट जे आहे त्या 16 टीमची टूर्नामेंट आहेत ते 16 टीमना पण सर्वांना शुभेच्छा आणि सर्व कार्यकर्त्यांना पण शुभेच्छा. हे वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान मीरा भाईंदर हे गेली 10 वर्ष या ठिकाणी आपल्या समाजाच्या सर्व तरुण मुलांसाठी असे टूर्नामेंट भरवते त्यातील आज एक परत एक गेल्या वर्षी नाही झालेला तो आता हा टूर्नामेंट त्यांनी या ठिकाणी भरवला आणि तरुणांना त्यांना एकत्र करून आपल्या समाजाच्या तरुणांना एकत्र करून त्यांच्यासाठी त्यांची जी काही खेळाडूवृत्ती आहे ती दाखवण्याचा प्रयत्न या मीरा भाईंदरने केलेला आहे. त्यांची टीम संतोष पेंडुलकर अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली गेली 10 वर्ष ही टीम संपूर्ण त्यांची टीम आहे ती कार्यरत आहे आणि उत्कृष्ट कार्य असं ही टीम या ठिकाणी करत आहे. वैश्यवाणी समाज मीरा भाईंदर प्रतिष्ठान त्यांना आम्ही दृष्टांत फाउंडेशनच्या वतीने सुद्धा आम्ही शुभेच्छा देतो आणि संपूर्ण समाजाच्या वतीने वैश्यवाणी समाज नालासोपारच्या वतीने सुद्धा आम्ही या सर्व आज झालेल्या टूर्नामेंटला खेळलेल्या सर्व मुलांनासुद्धा शुभेच्छा देतो आणि वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान मीरा भाईंदरसुद्धा आम्ही शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. मी मीरा भाईंदर मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता संतोष दुवाड़ी दादा उनके माध्यम से यहाँ पे आया हूँ. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे वरिष्ठ नेता संतोष पेंडुलकर साहब जो कि वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान यहाँ के आज तक जितने भी कार्यक्रम हो चुके हैं प्रोग्राम हो चुके हैं उन्होंने एकता दी है दिखाई है एकजुट होकर कार्यक्रम किया है. आज जो क्रिकेट का जो खेल था सही में एक उल्लेखनीय ऐसा एक खेल था और एक जो अपने गांव के बच्चे लोगों को प्रोत्साहन देने का कार्य आज वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान ने किया है. मैं देखता हूं वैश्यवाणी प्रतिष्ठान समाज को जब भी कोई भी कार्यक्रम रखना हो तो उनका एकदम नियोजनबद्ध कार्यक्रम रहता है. आज हमारा खुद का क्रेडिट सोसाइटी है. हम लोगों का कैलेंडर आने से पहले इस वैश्यवाणी समाज का कैलेंडर हर एक दीवार पे लगा रहता है. एक का श्रेय जो जाता है संतोष पेंडुलकर साहब और ये जो पूरी टीम है वैश्यवाणी समाज की उनको जाता है. हजारों किलोमीटर काम धाम के लिए ये मुंबई नगरी में मीरा भाईंदर नगरी में जो बसे हैं उनको एकत्रित लाना और उनको एक प्रोत्साहन देने का काम आज वैश्यवाणी समाज प्रतिष्ठान ने किया है. मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. जय हिंद.